दोस्तों पोल्ट्री ट्यूब यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो चिकन ब्रीड के बारे में बात करेंगे जिनकी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है और जिनका पालन करने पे पोल्ट्री फार्मर को बहुत अधिक मुनाफा होता है। और ये चिकन ब्रीड हैं सोनाली और कड़कनाथ। इनके चूज़े कितने के मिलते हैं, ये कितने अंडे देती हैं, मार्केट में इतना रेट क्या मिलता है, कितने दिन में ये तैयार होते हैं और कितना फीड खाती हैं, टोटल जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें ताकि सोनाली मुर्गी पालन में अधिक फ़ायदा है या कड़कनाथ मुर्गा पालने में अधिक फ़ायदा है, आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जिन पोल्ट्री फार्मर भाइयों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि मुर्गी पालन से संबंधित जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो पहले बात कर लेते हैं कड़कनाथ चिकन ब्रीड की, जिसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के झाबुआ के जंगलों में हुई और ये एक प्योर देसी ब्रीड का मुर्गा है जो कि बहुत ही मजबूत चिकन ब्रीड माना जाता है और बहुत ही कम इसमें कोई बीमारी देखने को मिलती है। दोस्तों बात करें अगर सोनाली चिकन ब्रीड की, तो सोनाली चिकन ब्रीड देसी मुर्गे की एक क्रॉस ब्रीड है जो कि बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल से आई और पश्चिम बंगाल से आज पूरे भारत में फैल गई है। ये प्योर देसी ब्रीड तो नहीं है लेकिन ये भी काफ़ी मजबूत ब्रीड है और इसमें भी बहुत ही कम मोर्टेलिटी देखने को मिलती है। दोस्तों आप बात करते हैं इनके चूज़ों के दाम की, तो पहले कड़कनाथ के चूज़ों के दाम की बात करते हैं। तो कड़कनाथ का चूज़ा आपको कम से कम 55 रुपये और मैक्सिमम 70 रुपये के आसपास मिलने चाहिए। पूरे भारत में हर राज्य में कड़कनाथ के चूज़े का दाम अलग अलग है, लेकिन इसके अगर ओरिजिनल चूज़े की बात करें तो वो आपको मध्य प्रदेश के झाबुआ में ही मिलेगा और वहाँ पे इसका एक दिन का चूज़े का दाम 60 रुपये से लेके 65 रुपये के आसपास रहता है। दोस्तों आप बात करते हैं सोनाली मुर्गी की एक दिन के चूज़े की, तो सोनाली मुर्गी का आपको एक दिन का चूज़ा कम से कम 20 रुपये और मैक्सिमम 35 रुपये के आसपास मिलना चाहिए, लेकिन अधिकतर समय सोनाली मुर्गी का चूज़े का दाम 25 रुपये के आसपास ही रहता है। तो दोस्तों चूज़ों के दाम की बात हो गई, कुछ अन्य विशेषताओं की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि कड़कनाथ का पालन आप फ्री रेंज में कर सकते हैं और कड़कनाथ को आप 25 से 30% तक हरा चारा, घर का बचा हुआ वेस्टेज आदि खिला के कड़कनाथ का पालन कर सकते हैं। दोस्तों बात अगर सोनाली मुर्गी पालन की करें तो सोनाली मुर्गी का पालन भी आप फ्री रेंज में कर सकते हैं और 25 से 30% तक हरा चारा, घर के बचे हुए वेस्टेज आदि खिला के सोनाली मुर्गी पालन किया जा सकता है। 25 से 30% मैं इसलिए कहता हूं कि इससे ज़्यादा अगर आप कड़कनाथ को या सोनाली मुर्गी को खिलाएंगे तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो आप जब भी फ्री रेंज में सोनाली मुर्गी पालन करें या देसी मुर्गी पालन करें, कड़कनाथ मुर्गी पालन करें, तो आपको 25 से 30% ही इनको बाहर का चारा देना चाहिए। दोस्तों आप बात करते हैं सोनाली ब्रीड की मुर्गियाँ कितने अंडे देती हैं और कड़कनाथ ब्रीड की मुर्गियाँ कितने अंडे देती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोनाली मुर्गियों की। दोस्तों सोनाली मुर्गियाँ 135 से 140 दिनों के बाद अंडे देना शुरू करती हैं और जब ये 1300 ग्राम के आसपास होती हैं तब ये अंडे देना स्टार्ट करती हैं और पूरे साल में लगभग 180 से 220 अंडे तक देती हैं। और मार्केट में इनके अंडों की डिमांड और प्राइस की बात करें तो मार्केट में इनके अंडों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अगर आप इसको खुदरा में बेचेंगे तो आपको 12 से 15 रुपये तक मिल सकता है और होलसेल में आपको इसका दाम 7 से 8 रुपये तक आराम से मिल जाता है। दोस्तों कड़कनाथ मुर्गियों की अगर बात करें तो कड़कनाथ की मुर्गियों को अंडे देने में थोड़ा सा अधिक समय लगता है। कड़कनाथ की मुर्गियां 170 से 180 दिनों के बाद अंडे देना शुरू करती हैं और जब कड़कनाथ ब्रीड की मुर्गियां अंडे देना शुरू करती हैं तो इनके भी शरीर का औसत वज़न 1300 ग्राम के आसपास हो जाता है। और पूरे साल में अगर अंडों की संख्या की बात करें तो कड़कनाथ की मुर्गियाँ सोनाली मुर्गियों से काफ़ी कम संख्या में अंडे देती हैं। कड़कनाथ ब्रीड की मुर्गियाँ एक साल में अधिकतम 150 अंडे तक देने की क्षमता रखती हैं। मार्केट में इनके अंडों की डिमांड की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसका डिमांड शहरों, बड़े शहरों के आसपास ही होता है। छोटे शहरों में इसके अंडों की डिमांड तो है लेकिन आपको उसका दाम उतना ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। और अगर आप किसी बड़े शहर के आसपास हैं तो कड़कनाथ मुर्गी का एक अंडा आपको 18 से 20 रुपये तक दिला सकता है और अगर आप इसकी अच्छी तरह से ब्रांडिंग करके बेचते हैं तो 25 से 30 रुपये तक आप कड़कनाथ मुर्गी का एक अंडा बेच सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि सोनाली मुर्गियों को तैयार होने में कितना समय लगता है और कड़कनाथ के मुर्गियों को तैयार होने में कितना समय लगता है। तो सबसे पहले हम सोनाली मुर्गी की बात कर लेते हैं। दोस्तों सोनाली मुर्गी को तैयार होने में 75 से 80 दिनों का समय लगता है
और 80 दिनों के अंतराल में इसका वजन 1 kg के आसपास हो जाना चाहिए और इसके लिए इसको 3 kg फीड की आवश्यकता होती है। और अगर आपको ओरिजिनल चूज़ा नहीं मिला या अगर आपने बहुत अच्छी तरह से फीड मैनेजमेंट नहीं किया तो इसको 1 kg होने में 85 से 90 दिनों का समय भी कभी कभी लग जाता है। लेकिन अधिकतर पोल्ट्री फार्मरों का अनुभव यही रहा है कि 80 दिनों के अंतराल में सोनाली मुर्गा 1 kg तक का आराम से हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कड़कनाथ मुर्गे की। तो आपको बता दें कड़कनाथ मुर्गे को तैयार होने में थोड़ा सा अधिक समय लगता है। कड़कनाथ मुर्गे को 1 kg होने में लगभग 90 से 95 दिनों का समय लगता है। और अगर आप इसको बाहर का चारा भी खिलाना है और फीड मैनेजमेंट आप अच्छे से नहीं करते, थोड़ा सा फीड पे बचत करते हैं, तो इसको 1 kg होने में 115 से 120 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपको कड़कनाथ मुर्गी पालन कमर्शियल फीड खिला के करना है तो आप मान के चलिए कि 90 से 95 दिनों के अंतराल पर ही कड़कनाथ मुर्गे का वजन 1 kg तक होता है। और कड़कनाथ मुर्गे को 1 kg तक होने के लिए लगभग 3.5 kg कमर्शियल फीड की ज़रूरत होती है। दोस्तों अब बात करते हैं सोनाली मुर्गे और कड़कनाथ मुर्गे के मार्केटिंग की। तो सबसे पहले हम इसको खुदरा में बेचने की बात करेंगे। तो दोस्तों एक और जहां सोनाली मुर्गे को आप खुदरा में आराम से बेच सकते हैं, कई फेरी वाले होते हैं जो कि तैयार सोनाली मुर्गे को घूम घूम के पूरे गाँव में, शहर में, कई जगह इसको बेचते हैं और अच्छी मात्रा में मार्जिन लेके आते हैं। और वहीं अगर कड़कनाथ मुर्गे की बात करें तो इसको फेरी में बेचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सोनाली और देसी की तुलना में इसका दाम 50-100 रुपये अधिक होता है। तो इसलिए इसको फेरी पे बेचना थोड़ा सा मुश्किल होता है और खुदरा में बेचना इसे बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। जबकि अगर सोनाली और देसी की अगर आप बात करें तो आराम से खुदरा में आप 15 से 20% कोई भी पोल्ट्री फार्मर आराम से अपने पोल्ट्री फार्म पर बेच लेता है। लेकिन कड़कनाथ बहुत ही मुश्किल से ये खुदरा में बिक पाता है। तो इस पॉइंट पे कड़कनाथ सोनाली के आगे कहीं नहीं टिकता। दोस्तों अब बात करते हैं मार्केट रेट की कि अगर हम सोनाली मुर्गे को बेचते हैं तो हमें क्या दाम मिलता है और कड़कनाथ मुर्गे को बेचते हैं तो हमें क्या रेट मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम सोनाली मुर्गे की बात कर लेते हैं। दोस्तों यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में अगर आप सोनाली मुर्गी पालन करते हैं और इसको होलसेल में बेचते हैं मिक्स में तो आप मान के चलिए कि आपको 200 रुपये से लेके 220 रुपये तक मिल सकता है। हर महीने थोड़ा सा दाम ऊपर नीचे होता रहता है। गर्मी में थोड़ा सा कम होता है, बरसात में इसका दाम थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन सर्दी के समय में इसकी अधिक डिमांड होती है, इसका दाम थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर हम इसके औसत दाम की बात करें तो कम से कम हम मान के चलते हैं कि अगर हम इसको मिक्स में बेचेंगे तो 190 रुपये से लेकर 205 रुपये तक हमें आराम से मिल जाते हैं। और वहीं अगर हम सोनाली के सिर्फ मेल बर्ड बेचते हैं तो हमें मैक्सिमम 200 रुपये से लेकर 240 रुपये तक मिल जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कड़कनाथ चिकन ब्रीड की। तो कड़कनाथ के पीछे सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि कड़कनाथ को बेचने में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है सोनाली मुर्गी की तुलना में। और इसके मार्केट रेट की बात करें तो अगर आप इसको होलसेल में बेचने जाएंगे तो आपको इसका मैक्सिमम रेट 350 रुपये से लेके 380 रुपये तक अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अधिकतर पोल्ट्री फार्मरों को ये लगता है कि कड़कनाथ का मार्केट में बहुत ही अधिक डिमांड है, इसको अगर हम तैयार कर लेते हैं तो 1 kg के पीछे 800 रुपये से लेकर हम 1000 रुपये तक बचा लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी बहुत बड़े शहर के आसपास हैं तब हो सकता है कि आपको इसका दाम 450 रुपये से लेकर 500 रुपये पर kg मिल जाए। अन्यथा अगर आप ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो आपको इसका दाम मैक्सिमम 350 रुपये के ऊपर मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर आपने इसको एक बार अपने फार्म से सेल कर दिया उसके बाद अगर किसी कटर से कड़कनाथ मुर्गा लेने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये ज़रूर 1000 रुपये kg से लेके आपको 1500 रुपये kg तक मिल सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि 1000 कड़कनाथ मुर्गी पालन में हमें कितना प्रॉफिट होता है और 1000 सोनाली मुर्गी पालन में हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो पहले हम सोनाली मुर्गी पालन की बात करते हैं। दोस्तों अगर आप सोनाली मुर्गी पालन करते हैं, सही फीड मैनेजमेंट करते हैं, आपकी ओरिजिनल सोनाली मुर्गियों के चूज़े आप लाए हैं तो आप ये मान के चलिए अगर आपने सही तरीके से इसकी मार्केटिंग की तो 1000 सोनाली मुर्गी के पीछे आप कम से कम 25000 रुपये और मैक्सिमम 40000 रुपये तक कमा सकते हैं। और अगर आप इसका फीड खुद बनाते हैं, फ्री रेंज में इसका पालन करते हैं, चूज़े आप खुद निकालते हैं तो 1000 सोनाली मुर्गी से आप 50000 रुपये भी कमा सकते हैं। और वहीं अगर कड़कनाथ मुर्गे की बात करें तो कड़कनाथ में प्रॉफिट कमाना कई चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि आप इसकी कैसी मार्केटिंग करते हैं। तैयार मुर्गों को आप किसी बिचौलिया के माध्यम से बेचते हैं या खुद इसकी मार्केटिंग करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बाद अगर आप सही से ये सब कर पाते हैं तो आप मान के चलिए 1000 कड़कनाथ मुर्गे से आप 55 से 60000 रुपये तक आराम से कमा सकते हैं।
तो दोस्तों जो आंकड़े मैंने आपको इस वीडियो में बताए वो हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर राज्य में इन मुर्गियों की डिमांड कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से आपको इसका दाम भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो आंकड़ा मैंने आपको बताया इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जानकारी से भरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।